मैटर हुआ कोई झगड़ा, ठीक है। अब उस मैटर को सॉल्व करने पहुंचा पंचायत मेंबर या यू कहो पंच, और पंच के रूप में जब पहुंचा वहां पर पंचायत करने, तो किसी लड़का पर तुम्हारा एक तरह से पूछो मुकदमा है, पंचायत का मुकदमा ना हो गया वो मुकदमा है। तो मुकदमा में तू क्या करता हुआ, जिस पर मुकदमा है उसको कहता है तुम बाहर जाओ, ठीक है। अब बाहर जाओ उसके बाद तुम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, पंचायत का रूल यही होता है। अभी भी अगर बात जानकारी लेना तो उसका उपस्थिति में लोगों से पता चल, तब लगभग हकीकत बात पता चलने लगता है। तो आप वहां पर वो कीजिए, जब आप इकट्ठा कर लिए, जब सब कुछ आपको पता चल गया, तब आप किसी को बोल रहे हो लड़का को बुलाओ, लड़का को बुलाओ। अब बताओ कौन सा लड़का आएगा जिस पर केस या मुकदमा चल रहा है। इसी नाउन को बोलेंगे अंडरस्टूड नाउन। हम वहां पर बोले कॉल द बॉय, क्या बोले कॉल द बॉय, मतलब क्या हुआ कि लड़का को बुलाओ, यानी हम तो यहां पर लड़का सीधा बोल रहे हैं, लेकिन इस लड़का से हम लोग पहले से ही क्या है परिचित है। और जब पहले से परिचित है मतलब अंडरस्टूड है, क्यों कह सकते हैं कि बिना कहे हुए इसका नाम लिए हुए भी लड़का कहने से पता चल रहा है कि किस लड़का को बुलाना है। तो ऐसे नाउन के पहले हमको आर्टिकल क्या लगाना है। एक और एग्जाम्पल कह रहे हैं, प्लीज प्लीज रिटर्न बुक। हम आपको बोले प्लीज रिटर्न बुक, कृपया किताब लौटाओ। अब यहां पर हम समझने के लिए लिख सकते हैं आई गेव यू yesterday, दैट लगा दीजिए, लगा दीजिए That I gave you yesterday. लेकिन ये लिखने की चीज नहीं है, हम समझने के लिए लिखा रहे हैं, इसको एग्जाम्पल में डालेंगे। जैसे आपने कहा कि प्लीज रिटर्न बुक, कृपया किताब लौटाओ, कौन सा किताब लौटाओ, That I gave you yesterday, जो किताब मैंने कल तुमको दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम तुमसे कहेंगे पैसा नहीं दिया है, हम आपसे कर्जा मांग रहे हैं, हम आपसे मतलब पैसा मांग रहे हैं। यानी अगर हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि पैसा जमा करो, इसका मतलब पता है कि कौन सा पैसा जमा करना है। इस नाउन को कहेंगे अंडरस्टूड नाउन, क्या कहेंगे अंडरस्टूड नाउन। यानी हम सीधा कर रहे हैं कॉमन नाउन का ही, लेकिन बच्चे या कोई भी आदमी उसको आराम से समझ सकता है। तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगा देंगे, वहां पर क्या बोलेंगे प्लीज रिटर्न द बुक। आप चोट पकड़ा है तो उसको आप बांध के रखे हुए हैं कहीं पर। अब पुलिस आई आपके गांव में, पुलिस को आप कॉल किए, पुलिस आए, अब पुलिस आई तो पुलिस बोली कि चोर को बुलाओ, कौन से चोर को बुलाओ, जो पकड़ाया हुआ है, जिसको आप बांध के रखे हुए हैं। यानी यहां पर सीधे बोला कि चोर को बुलाओ या चोर कर लाओ, चोर को लाओ तो कौन सा चोर, जो पकड़ाया हुआ है, जो बांध कर रखा गया है, इसको अंडरस्टूड कहेंगे कि अंडरस्टूड है। हम उसको जान गए, जब ये पुलिस बोला चोर के लाओ, तो हम इन्हें जाएंगे गांव में चोर खोजने, जो ऑलरेडी बांध कर रखा हुआ है, पकड़ कर रखा गया है, हम उस चोर को लाकर वहां पर हाजिर करेंगे। तब वहां पर अगर पुलिस कहता है ब्रिंग द थीफ, ब्रिंग द थीफ, एंड यहां पर जो थीफ हुआ इसको हम लोग कहेंगे कौन सी अंडरस्टूड नाउ। यानी ऐसे नाउन जिसको हम बिना कहे हुए क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बात समझ में आए, तो जहां भी अंडरस्टूड नाउन आएगा उसके साथ आर्टिकल क्या लगा लीजिएगा, तो दिक्कत ना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एडजेक्टिव में हम आपको दो चीज पढ़ाए थे, कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर पढ़ाए थे ना, याद कीजिएगा। एडजेक्टिव का हमने बताया था तीन भेद, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला में क्या बताया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और थर्ड बताया थे प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का फिर बताया था दो को भेद, डेफिनेट इनडेफिनेट। डेफिनेट का फिर बताया चार को भेद, कार्डिनल
ऑर्डिनल मल्टीप्लीकेटिव फ्रैक्शन। कार्डिनल में बताया था कि वैसे एडजेक्टिव जो गिनती के संख्या का बोध कराएगा, काउंटिंग नंबर, और जो काउंटिंग नंबर का बोध कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। और जो सीरियल नंबर का बोध कराएगा, फर्स्ट सेकेंड लास्ट मिडिल, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनल नंबर। तो जहां भी ऑर्डिनल नंबर रहेगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव रहेगा, उस ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ आपको आर्टिकल क्या लगाना है, द का लगाना है। कार्डिनल के साथ नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, ऑर्डिनल के साथ लगेगा। जैसे कहेंगे यू आर द फर्स्ट हुआ, यू आर द फर्स्ट। अब यहां पर फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर है तो हमने यहां पर आर्टिकल क्या लगाया, जैसे कहेंगे मोहन इज द लास्ट स्टूडेंट, क्या कहिएगा, मोहन इज द लास्ट स्टूडेंट। मोहन क्या है, लास्ट स्टूडेंट है, अंतिम विद्यार्थी। तो यहां पर स्टूडेंट हो गया ना, लास्ट हो गया कौन चीज, ऑरिजिनल नंबर, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लग गया, दिक्कत रहे। और भी चल सकते हैं, क्या लिखेगा, वरुण लिखे, इसे क्या लिखे, वरुण इज द थर्ड, वरुण इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। क्या कह रहा है, वरुण जो है ना वो अपने परिवार का कैमा लड़का है, तीसरा लड़का। वरुण अपने परिवार का कैमा लड़का है, तीसरा लड़का। तो यहां पर जो चाइल्ड है तो कैमा चाइल्ड है, तीसरा चाइल्ड है, और थर्ड क्या है, ऑरिजिनल नंबर। और जहां भी ऑरिजिनल नंबर लगा हम वहां पर आर्टिकल क्या लगा दिए हैं, अब आपको हम बताते हैं, कहीं भी आप गो टू लगाते हैं तो वहां पर आर्टिकल द नहीं लगता। जैसे स्कूल जाते हैं तो गो टू स्कूल जाते हैं, वहां पर सीधा क्या बोलते हैं, आई गो टू स्कूल। पार्क जाते हैं तो क्या लिखते हैं, आई गो टू पार्क। हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या लिखते हैं, आई गो टू हॉस्पिटल। वहां पर द लगता है नहीं। लेकिन दो वर्ड हम आपको बताते हैं, सिनेमा और थिएटर। कौन सा वर्ड, सिनेमा और थिएटर। सिनेमा और थिएटर जहां भी रहेगा उसके साथ आर्टिकल द लगेगा, याद रख लेना। ओटू के साथ अगर सिनेमा या थिएटर दोनों में से कोई आ गया तो वहां पर आपको आर्टिकल क्या लगा लेना है, द लगाना है, याद रखना है। जैसे वहां पर कहेगा गो टू सिनेमा तो यहां पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, आप इसी में कहिएगा गो टू थिएटर, यहां पर आर्टिकल क्या लगा दीजिएगा, यानी जहां भी सिनेमा या थिएटर अगर आ जाएगा गो टू के साथ तो वहां पर आर्टिकल द लगेगा। बात बाकी सिनेमा में थिएटर में द क्या लगा, क्योंकि एक एक्सेप्शनल ये रूल बनाया गया, एक्सेप्शनल वहां पर कोई प्लेस नहीं होता है, वहां पर एक क्या कहते हैं मनोरंजन का साधन। पार्क एक प्लेस है जहाँ पर हमेशा आप प्रत्येक दिन कार्य के लिए जाते हैं, मंदिर है जहाँ पर लोग रोज जाता है, लेकिन थिएटर जो होता है किसी स्पेशल ओकेजन से लोग इस तरह का देखता तब भी जाता, इसलिए उस खास जगह के लिए दौड़ का प्रयोग करते। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आपको बता दें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या याद रखेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं वाद्य यंत्र। क्या नाम दीजिएगा, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में क्या आ गया, ढोलक, हारमोनियम, तबला, पियानो, गिटार, जितने भी ये बजाने वाला यंत्र है ना, उस सारे यंत्र के साथ आपको आर्टिकल क्या लगाना है,
लगाना है, जिसे जहां भी लगेगा हम छोटा ही लिखते हैं, जिसे आप वहां पर लिख सकते हैं द तबला, क्या कर सकते हैं द तबला, द वायलिन, द वायलिन, द हारमोनियम, क्या कर सकते हैं द हारमोनियम, द गिटार, क्या कर सकते हैं द गिटार, ठीक है। तो जहां भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है याद रखिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं वाद्य यंत्र, क्या नाम देते हैं वाद्य, सुन लीजिए गौर से, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को इंग्लिश से आती है, हिंदी से ज्यादा आसान अब अंग्रेजी लगने लगा, तो हिंदी भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, गाँव समाज में तो थोड़ा मतलब ध्यान दीजिएगा, वाद्य यंत्र क्या बोलिएगा वाद्य यंत्र, बोलिएगा क्या बोलेंगे वाद्य यंत्र, तो जहां भी आपको आ जाएगा वाद्य यंत्र, उस वाद्य यंत्र के साथ आपको क्या लगाना है आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे आपको वाद्य यंत्र में कौन हो गया तबला हो गया, वायलिन हुआ, हारमोनियम हुआ, गिटार। अब हम आपको बताते हैं, कोई क्लब हो, कोई कमिटी हो, कोई फाउंडेशन हो, तो क्लब कमिटी फाउंडेशन क्या कहिएगा, क्लब कमिटी फाउंडेशन। जैसे यहां पर देखिएगा हम लिख देते हैं क्या क्या लिखिएगा, क्लब क्लब कमिटी फाउंडेशन, क्लब कमिटी फाउंडेशन, फाउंडेशन, इन सब का नाम अगर आएगा ना तो यहां पर आपको आर्टिकल क्या लगाना है द का यूज करना, आर्टिकल क्या लगा दीजिएगा द का यूज कीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए अब आपको यूज लगाते हैं द लायंस क्लब, इस क्लब का नाम हम आपको बता रहे हैं, क्या नाम है लायंस क्लब, तो देखिए क्लब का नाम आया आर्टिकल क्या लगा है द, जैसे कहती रोटेटरी क्लब, क्या है रोटेटरी क्लब, वहां भी आर्टिकल क्या लग जाएगा लगे, जिसे रेड क्रॉस, एक प्रकार का वो फाउंडेशन है, ट्रस्ट है ना, आप यहाँ पर फाउंडेशन के साथ आप ये भी लगा सकते हैं ट्रस्ट, क्या लगा सकता है ट्रस्ट, ट्रस्ट के नाम के पहले भी आर्टिकल क्या लगता है द का यूज होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे और देखिए हम फाउंडेशन का नाम लिख रहे हैं द फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, तो जहां भी आएगा इस प्रकार का कोई भी क्लब आ जाएगा, कमिटी आ जाएगा, फाउंडेशन आ जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा, इस सब का नाम अगर कहीं भी आता है तो यहाँ पर आपको आर्टिकल क्या यूज करना है, सुन लीजिए, कहीं भी क्लब का नाम आ जाए, कमिटी का नाम आ जाए, फाउंडेशन का नाम आ जाए, ट्रस्ट का नाम आ जाए, तो इसके नाम जो ही हम लिखेंगे तो सेंटेंस में प्रयोग करते समय वहां पर आपको आर्टिकल क्या लग जाएगा, हम सीधा लिखे हैं सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं आई एम द मेंबर ऑफ रोटेटरी क्लब, यू आर वर्किंग इन द फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और फाउंडेशन का नाम आ गया, अब जब ये उसका नाम आया तो वहां पर हम लोग आर्टिकल क्या लगा देंगे, दिक्कत रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देखिएगा,